मेंटेड, with your studies, with your test. I am live because I think it's my responsibility. At least मैं अपनी तरफ से अपना काम आपके लिए करता हूँ. So here I am going to uh, let you know. लाइन्स सम पैसेजेसीचेस फ्रॉम पोएट्री एंड ड्रामा दैट में हेल्प यू इन योर एग्जामिनेशन आई होप की अगर इतने भी एक्सप्लेन्स आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो इतने में से आपको पांच एक्सप्लेन्स मिल जाए लेकिन इस बात की मैं हंड्रेड परसेंट गारंटी नहीं लेता हूं बिकॉज दिस इज ओनली माई गेस ये वो ऑफ्ट कोटेड लाइंस हैं वो ऑफ्ट आस्क लाइंस हैं जो जनरली पूछी जाती है ठीक है सभी को गुड इवनिंग है मैं किसी भी कमेंट पर तब तक ध्यान नहीं दूंगा जब तक कि मुझे जितना बताना है उतना बता लूंगा उसके बाद केवल पाँच मिनट आपके किसी प्रश्न का अगर उचित प्रश्न हुआ तो उसका उत्तर दे दूंगा देर आफ्टर दिस लाइव विल बी एंड ठीक है इसलिए अभी अगर आप अपने स्टडी टेबल पर हैं स्टडी रूम में है देन यू शुड ओपन योर कॉपी पोएट्री बुक एंड ड्रामा बुक ठीक है तो विल स्टार्ट विद पोएट्री मैं एक तरफ से आपको लाइंस मार्क कराता चलूंगा आप बस लाइंस मार्क करते चलेंगे और आपको करना सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आपको उन सारी लाइंस को प्रिपेयर कर लेना है ठीक है तो उन सारे लाइंस का प्रिपरेशन एक मिनट हमें लगता है थोड़ा सा वॉल्यूम कम है मैं वॉल्यूम को अगर बढ़ा सकूँ थोड़ा सा बढ़ जाएगा बेहतर रहेगा अभी ठीक है वॉल्यूम मुझे लगता है अब वॉल्यूम और अच्छा आ रहा होगा ठीक है चलिए मैं आ, हाँ मैं बात कर रहा था कि मैं बात कर रहा था कि क्या क्या लाइंस हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं दैन विल स्टार्ट विद सॉलिट्री रीपर हम लोग सॉलिट्री रीपर से स्टार्ट करेंगे एंड यहीं से हम आपको लाइंस मार्क करते चल रहे हैं लाइंस आपको स्क्रीन पर दिख भी रही हैं सिंपल सा मैं, आ, मैंने मार्क कर रखा है ऑलरेडी जो ये हाईलाइटेड uh, जैसा मार्क है ठीक है लाइन के ऊपर वही लाइन्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है ठीक है तो यहाँ पर फर्स्ट फोर लाइन्स आई हैव मार्क्ड एज इंपॉर्टेंट बी होल्ड हर सिंगल in the field yon solitary highland lass repeating and singing by herself stop here or gently pass देखिए दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि मैं बहुत बार बार चीज़ों को रिपीट रिपीट नहीं करूँगा बस एक बार बताता हुआ आगे बढ़ता चलूँगा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके अपना नोट कर सकते हैं मार्क कर सकते हैं ठीक है तो पहली सॉलिटरी रिपर में सबसे पहली लाइन्स ये हैं फर्स्ट फोर लाइंस और यहाँ पर आप जो है आ, पहले ही वर्ड को आप एज मार्कर यूज़ कर सकते हैं बीहोल्डर ठीक है एंड हाई लेस ठीक है इन वर्ड्स को आप सॉलेट्री इन वर्ड्स को आप जो है एज अ मार्कर आप यूज कर सकते हैं दैट की दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम सॉलेट्री रीपर ठीक है इसके बाद आगे बढ़ते हैं इसी पोएम में और आगे बढ़ेंगे और हाँ ये लास्ट में लाइन हैं फेमिलियर मैटर ऑफ टुडे सम नेचुरल लॉस आर पेन ज बीन एंड मे बी अगेन ये थ्री लाइन्स आप मार्क करेंगे दीज आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर यू ठीक है आगे बढ़ते हैं एंड फिर से आप लाइन्स ये मार्क करिएगा चार लाइन्स यहां पर है आपको आई लिस मोशनलेस आई थिंक लास्ट लाइन्स है ये आई लिसन मोशनलेस एंड स्टिल एंड एज आई माउंटेड अप दिल द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर ठीक है आप चाहे स्क्रीन शॉट लें या फिर फटाफट मेरी स्पीड के साथ अप कर सकते हैं अगर छूट रहा है तो आप वीडियो पॉज करके बाद में कर सकते हैं या फिर दोबारा से देख करके मार्क कर सकते हैं ठीक है हाँ ये पहली पोइम में था पहली पोइम मैंने तीन जगह तीन चीजें मार्क की हैं फिर से आप देख लो पहली uh, चार लाइंस ठीक है बी होल्ड हर सिंगल इन द फील्ड ये चार लाइंस एंड देयर आफ्टर बीच में तीन लाइंस मैंने आपको बताई फेमिलियर मैटर ऑफ टुडे सम नेचुरल सारो लॉस आर पेन दैट हैज बीन एंड मे बी अगेन ठीक है एंड लास्ट लाइंस हमने लास्ट फोर लाइंस आपके लिए इंपॉर्टेंट बताए दैट इज आई लिसन मोशनलेस एंड स्टिल एंड आई माउंटेड अप द हिल म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर ठीक है नेक्स्ट पोइंट जो है आपकी ओ टू देस्टविंड है ओ टू वेस्टविंड में भी तीन चार जगह आप मार्क करेंगे ठीक है देखिये सबसे पहले तो फर्स्ट पार्ट में शुरुआती लाइन्स हैं शुरुआत की जो चार लाइन्स हैं तीन लाइन्स हैं पहला टर्जा रेमा जो है वही है आपको मार्क करना है दस्टविंड ठीक है वाइल्ड वेस्टविंड दाउ ब्रीद यहां से लेकर के आपको एनचेंटर फ्लीटिंग तक मार्क करना है पहली तीन लाइंस आगे बढ़ेंगे दूसरा आपको मार्क करना है इसी फर्स्ट पार्ट में वाइल्ड स्प्रिच विच आर्ट मूविंग एवरीवेयर डिस्ट्रायर एंड प्रिजर्वर हियर ओ हियर ये लास्ट की दो कंक्लूडिंग लाइंस हैं फर्स्ट सेक्शन की ठीक है तो पहले सेक्शन में शुरुआती चार लाइन तीन लाइंस और एंड की टू लाइंस ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है आगे बढ़ते हैं Second में आ, कोई भी मार्क नहीं किया है मैंने थर्ड में देखिएगा फर्स्ट थ्री लाइंस वेकन फ्रॉम हिज समर ड्रीम्स द ब्लू मेडिटेरेनियन तो यहां पर जो ब्लू मेडिटेरेनियन है कॉल है एंड क्रिस्टलाइन स्ट्रीम है इनको एज अ मार्कर आप यूज कर सकते हैं नोट कर सकते हैं ठीक है ठीके? तो ये तीन लाइंस आपके लिए इसमें पहले सेक्शन में दो जगह से शुरुआत की तीन लाइन और लास्ट की दो लाइन एंड थर्ड सेक्शन में आपको फर्स्ट थ्री लाइंस और आगे देखिएगा फोर्थ सेक्शन में देखिएगा फर्स्ट थ्री लाइंस इफ आई वर अ डेड लीफ दाउ माइट बियर इफ आई वर अ स्विफ्ट क्लाउड टू फ्लाई विथ दी अवेब टू पेंट नीड द पावर एंड शेयर तो यहां पर ये जो है पोएट वेब के लिए बात कर रहा है दिव्यांश त्रिपाठी छात्र संघ विश्वविद्यालय क्या बाबू अगला होगा ठीक है आगे बात करते हैं इसी में आप आगे की लाइन देखिएगा आगे का एक तीन लाइन और है

Uh, जो है पोएट वेस्टविंड से प्रे करता है उसको उठाने के लिए हाई लाइक uh, वेव लीफ एंड क्लाउड ठीक है ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए इसके बाद एक लास्ट की लाइंस जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है uh, आखिरी पार्ट में लास्ट पार्ट में दैट इज द लास्ट टू लाइंस द ट्रम्पेट ऑफ प्रोफेसी ओ वाइल्ड इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड ये जो लाइन है आखिरी वाली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है पढ़ाते समय मैंने आपको मार्क कराई थी ठीक है तो ये दो पोएम्स का जो इंपॉर्टेंट uh, लाइन्स थी पॉसिबली वो हमने आपको बता दी हमने आपको मार्क करा दी ठीक है आगे बढ़ें नेक्स्ट पोएम की बात करते हैं अगली पोएम जो है जॉन कीट्स की ओट टू द नाइटिंगेल है ओट टू अ नाइटिंगेल एक बार जरा कंफर्म कर दीजिएगा कमेंट में लिख करके कि क्या आप नोट कर पा रहे हैं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है एक बार कंफर्म कर दीजिए देन हम ओड टू नाइटिंगेल पर बात करते हैं ओके नो प्रॉब्लम चलिए ठीक है चलिए इसमें नेक्स्ट पॉइंट में देखिएगा पहले पहला जो ये पहला स्टेंजा है माय हार्ट एक्स एंड ड्राउजी नम्न पेन माय सेंस एज दो ऑफ हेमलॉक आई हैड ड्रंक अब इसमें कुछ वर्ड्स हैं जिसको आप एज मार्कर मार्क कर सकते हैं ये लाइंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है अगर यहाँ से पूछेगा तो पूछ सकता है ये लाइंस तो जैसे एक तो सबसे पहले आप एज मार्कर यूज कर सकते हैं माय हार्ट एक्स बिगनिंग लाइन है अगर ये वर्ड दिखता है कि ओ टू नाइट की बिगनिंग लाइन्स आपको मिल रही दूसरा दूसरी लाइन में यहाँ वर्ड हेमलॉक है हेमलॉक को आप एज मार्कर आप यूज कर सकते हैं डल ओ को आप एज मार्कर यूज कर सकते हैं ड्रेन्स को एज मार्कर और लीथ जो रिवर है उसको भी आप एज मार्कर यूज कर सकते हैं मीन्स कि अगर ये वर्ड्स आ रहे हैं पोएम में मीन्स द पोएम इज द लाइन इज फ्रॉम ओ टू नाइटिंग ठीक है आपके सिलेबस में यही पोएम है जिसमें ये वर्ड्स आए हुए हैं तो इन वर्ड्स को एज मार्कर आप बात कर सकते हैं नेक्स्ट देखिएगा इसमें आगे फिर से चार लाइंस दैट दाउ लाइट विंग ड्राइड अब यहाँ पर ड्राइड कह करके कह रहा है जो है वे उसको नाइटिंगेल को ठीक है तो इसे आप एस मार्कर यूज़ कर सकते हैं इन सम मेलोडियस प्लॉट ऑफ बीच एंड ग्रीन तो बीच एंड ग्रीन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट वर्ड है इसे भी आप एस मार्कर यूज़ कर सकते हैं एंड सैडोज नमनसाइएस्ट ऑफ समर इन फुल थ्रोटेड ईज ठीक है ये चार लाइंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं नेक्स्ट आगे देखिएगा इसमें <coughs> टेस्टिंग दो लाइन्स हैं टेस्टिंग ऑफ फ्लोरा एंड द कंट्री ग्रीन डांस ऑफ प्रोविंशियल सॉन्ग एंड सनबर्न मर्थ तो सनबर्न मर्थ फ्लोरा कंट्री ग्रीन इनको एज मार्कर आप यूज कर सकते हैं अगर ऊपर की लाइन आती है तो यहाँ पर विंटेज आएगा डीप डेल्ब्ड अर्थ आएगा ठीक है ये सारे वर्ड्स आपको आ सकते हैं इसके बाद आगे फुल ऑफ बीकर ठीक है फुल ऑफ द ट्रू एंड ब्लिसफुल हिपोक्रेन ये लाइन्स इंपॉर्टेंट है ओ फॉर द बीकर फुल ऑफ द वर्म साउथ फुल ऑफ द ट्रू ऑफ ब्लिसफुलपोक्रेन ठीक है ये चारों लाइन एक साथ दे सकता है दो लाइन एक साथ दे सकता है एंड पर्पल स्टेंड माउथ यहां तक पूरा दे सकता है या फिर ऊपर की केवल ये दो लाइन दे सकता है या ऊपर से कोई दो लाइन और जोड़ करके इसमें दे सकता है ठीक है तो ये भी इंपॉर्टेंट है आगे बढ़िएगा ओ टू नाइटिंग आगे देखते हैं तो इसमें फिर से आपको थ्री लाइन्स ठीक है द वियरीस द फीवर एंड फ्रेट यहाँ जहां पर क्या क्या इस वर्ड uh, में प्रॉब्लम्स हैं क्या क्या uh, जो है प्रॉब्लम्स इस ह्यूमन वर्ड की हैं उस पर बात कर रहा है दैट इज वियरीनेस फीवर एंड फ्रेट हियर वेयर मैन sit एंड हीयर ईच अदर ग्रॉन तो यहाँ पर अलग अलग uh, जो है डिजीज़ की बात कर रहा है वियरीनेस की बात कर रहा है फीवर है फ्रेट है ग्रॉन है ठीक है पालसी है तो यहाँ पर जैसे ये सारी चीज आती है देन यू शुड अंडरस्टैंड दैट ओ टू नाइटिंगेल है पालसी है तो एंड uh, इस पोएम में शायद इतना ही है नहीं ये बीच में एक रुथ वाला जहां पर आता है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है थ्रू द सैड हार्ट ऑफ रुथ रुथ का जो यहाँ पर रेफरेंस है ल्यूजन है वो भी आप याद रखेंगे वन सिक फॉर होम सी टू इंटीरियर्स एम द एलियन कॉर्न ठीक है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है दो लाइन्स आगे पीछे की एक लाइन दो लाइन बढ़ा सकता है इसमें लेकिन आपको याद रखने के लिए ये दो लाइन्स इंपॉर्टेंट है आगे बढ़ते हैं फिर से आखिरी ये चार पांच लाइन्स हैं ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है फॉर द वेरी वर्ड इज लाइक अ बेल टू टॉल मी बैक From दी टू माई सोल सेल्फ अब वो फिर से वापस अपने सेंस में आ रहा है अभी तक जो सेंस से बाहर था ठीक है प्लीज़ थर्ड ईयर काल के लिए बताइए क्लास भैया देखते हैं थर्ड ईयर आज आप लोगों को देना था पेपर नहीं दे पाए बना नहीं पाए ठीक है देखते हैं होपफुली आज बना देंगे कल भी आप लोगों को पेपर प्रोवाइड कर देंगे एक पेपर प्रोवाइड कर देंगे ठीक है आगे देखते हैं आडियो ये पूरी चार पाँच जो लाइन्स हैं ये इंपॉर्टेंट हैं इन पर आप मार्कर लगा कर रखिएगा इनमें से ताकि आपको पता चल जाए कहाँ से है आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट पोएम जो है वो यूलिसिस है और यूलिसिस में आ, मैंने बहुत कुछ मार्क नहीं किया है ठीक है जैसे कुछ लाइंस हैं उसमें कुछ ऐसे पूरा पूरा मैं आ, नहीं बताऊं कुछ लाइंस हैं जैसे आ, बीच में टेली वाला जहां पर आ रहा है ठीक है टूरस्ट अनब्रस्ड नॉट साइन इन यूज ठीक है एक ये है यहाँ से देखिएगा और एक शुरुआत में ही था इसमें मैं मार्क करना भूल गया हूं चलिए देखते हैं फिर से मैं आपको एक मिनट पढ़ करके इसमें बताना पड़ेगा मुझे एक तो ये तीन लाइन्स आप मार्क कर लीजिए पहले में यहां पर ये तीन लाइन्स आप मार्क कर लीजिए ठीक है आई कैन नॉट रेस्ट फ्रॉम ट्रेवल आई विल ड्रिंक लाइफ टू लीज ठीक है आगे बढ़ेंगे तो इसमें ये जो है फॉर ऑलवेज रोमिंग विद हंगरी हार्ट यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट लाइन है इसके आगे पीछे के एक दो लाइन मिला करके दिया जा सकता है नेक्स्ट uh, देखिएगा ये लाइन आप मार्क करिएगा हाउ डल इट इज टू परस्यू यहां से ये साइन इन यूज ठीक है आगे इसमें एक और इंपॉर्टेंट लाइन थी टेलीमैकर्स के आसपास एक तो यहाँ ये यह शुरुआत वाला जहाँ से टेली को एड्रेस करता है ठीक है ये चीज़ दिस इज माई सन माइन ओन टेली ठीक यहाँ से एक आप मार्क कर लीजिए कि यहाँ से आगे बात की दो तीन लाइन्स जो हैं इंपॉर्टेंट हैं ठीक है, है. आगे यहीं पर एक बार जो है अपने साथियों को हाँ ये जो है ऑफ कॉमन ड्यूटीज एक्सटेंट नॉट टू फेल इन ऑफिस टेंडरस एंड प्रीमीट हाउस होल्ड गॉड्स वेन आई एम गॉन ही हाँ ये जो लाइन है ही वर्क हिज वर्क एंड आई माइन तो आप ये तीनों लाइन्स आप मार्क कर लीजिए ठीक है इन ऑफिस ऑफ टेंडर एंड पे मी टू एडोरेशन टू माई हाउस होल्ड गॉड्स वेन आई एम गॉन ही वर्क हिज वर्क आई माइन ठीक है तो इसमें ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है और इसी की वजह से ये दो तीन लाइन आपको इंपॉर्टेंट दी जा सकती है तो एक इसको आप मार्क करिएगा यहां पर ठीक है और इसके बाद दिस लाइज द पोर्ट विशल हाँ यहां पर एक इट इज नॉट टू लेट जैसा कुछ था माई मैरनर सोल दैट है फ्रॉलिक वेलकम टू थर and sunshine and oppose fear hard fearless you and i are old old ages. has while death closes all something at the end some work of noble note me we do not ये है यहाँ पर इम्पॉर्टेंट मैंने तब भी मार्क कराया था इट इज़ नॉट टू लेट ठीक है इसके ऊपर से यहाँ कम से लेकर के यहाँ कम माई फ्रेंड्स यहाँ से कम माई फ्रेंड्स से लेकर के एक तो यहाँ तक हो जाएगा इसके बाद जो है भी आगे की लाइन आप मार्क कर सकते हैं आगे भी बढ़ा करके दे सकता हैं इम्पोर्टेंट मोस्ट इतना है कम माई फ्रेंड्स इट इज नॉट टू लेट टू सीक न्यूअर वर्ड ठीक है ये सबसे महत्वपूर्ण है आपके लिए इसमें और वो टेली का बस इसके बाद इसमें और कुछ नहीं ठीक है ये तो क्रिटिकल अप्रिसिएशन वाला है नेक्स्ट पोएम क्या है भाई आपकी नेक्स्ट है प्रोस्पिके प्रोस्पीके में भी देख लेते हैं तो सबसे पहले है पहला स्टेंजा इसमें फियर डेथ शुरू की चार लाइंस देयर आफ्टर एक लाइन छोड़ करके फिर से तीन लाइन द पोस्ट ऑफ द फो वेयर ही स्टैंड्स द आर्क फियर इन अ विजिबल फॉर्म येट द स्ट्रांग मैन मस्ट गो ठीक है तो ये आर्क फियर विजिबल फॉर्म और फियर डेथ ये लाइंस जो हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर दो मैंने बता दिया एक चार एक तीन आगे बढ़ते हैं तो एक यहाँ पर ये यह लाइन मैंने पढ़ाते समय मैं भी आपको मार्क कराई थी आई वॉज एवर अ फाइटर सो वन फाइट मोर द बेस्ट एंड लास्ट ठीक है ये सबसे इंपॉर्टेंट है तीन हो गए इसमें और एक चौथा आपको नोट करना है नो लेट मी टेस्ट द होल ऑफ इट फेयर लाइक माई पीयर्स द हीरोज ऑफ ओल्ड बियर द ब्रंट इन मिनट पे ग्लैड लाइफ एरर्स ऑफ पेन डार्कनेस एंड कोल्ड तो ये चार लाइन्स आप माँ करिएगा ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है एंड लास्ट uh, में है लाइट देन द्रेस्ट ओ दोल ऑफ माई सोल आई सेल क्लैप दगेन एंड विद गॉड वि रेस्ट लास्ट थ्री लाइन्स आर इंपॉर्टेंट फॉर यू तो ये लास्ट थ्री लाइन्स भी आप अपने लिए मार्क करिएगा है इट इज नॉट टू लेट टू सीक न्यूवर वर्ड ऋतिका त्रिपाठी क्या करना बेटा इसका कितना मार्क कर लिया डावर बीच डावर बीच में सबसे पहले तो एकदम शुरू की दो लाइंस द सीज काम टू नाइट मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन्स ये आपके लिए शुरू की दो लाइन्स इंपॉर्टेंट हैं बढ़ाने के लिए एक आध लाइन बढ़ा भी सकते हैं ठीक है और आगे बढ़ेंगे तो इटर्नल नोट ऑफ सैडनेस छोड़ो ये इस सोफोकलीज का जहाँ से आता है सोफोकलीज लॉन्ग एगो हर्ड इट ऑन द इजियन एंड इट ब्रॉट इन टू द माइंड ऑफ टर्बाइड एवन फ्लो ऑफ ह्यूमन मिजरी ठीक है इसे आप मार्क करेंगे इसके बाद लास्ट स्टैंडा जो है आ, उसमें देखेंगे एक तो ये है सिया फेत ठीक ना वॉज वंस टू एट द फुल एंड राउंड ले लाइक द फोल्स ऑफ ब्राइट गर्ड वर्ल्ड ठीक है तीन लाइन इसको मार्क करेंगे एंड देयर आफ्टर आह लव लेटस be ट्रू मैं आपको कहूँगा कि पूरा पूरा इम्पॉर्टेंट है बट इसमें भी आप जैसे ये दो लाइन अलग से आप मार्क करिए आह लव लेटस be ट्रू ठीक है टू वन another अदर फॉर द which विच बहुत ही ऑफ्ट कोटेड लाइन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए एंड देर आफ्टर ये हैथ रियली निदर जॉय love लव light लाइट नार्टीट्यूड nor पीस nor हेल्प फॉर पेन ये दो लाइंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं एंड देयर uh, आफ्टर ये आखिरी की जो लाइन है ठीक है ऑफ स्ट्रगल एंड फ्लाइट वे आर इग्नोरेंट आर्मीज क्लैश बाई नाइट ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कुल मिलाकर के लास्ट स्टैंडा जो है इज मोस्ट एंड मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ठीक है आगे बढ़ते हैं एंथम फॉर द डूम्ड यूथ इसमें भी दो जगह से इंपॉर्टेंट हैं वो दो जगह से आप लाइंस मार्क कर लीजिए एक तो सबसे पहला जो मैंने दिया था आपको मॉक टेस्ट में नो मॉकरीज ठीक है फर्स्ट फोर लाइन के बाद की बात की दूसरा स्टैंड आप कह सकते हैं नो मॉकरीज नाउ फॉर देम नो प्रेयर्स नॉर बेल्स नॉर एनी वाइस फॉर मोर्निंग सेव द क्वायर्स द डिमेंटेड क्वायर्स ऑफ वेलिंग सेल्स एंड बिगुल्स कॉलिंग फॉर देम फ्रॉम द शायर्स सैड शायर्स ठीक है ये चार लाइन्स इंपॉर्टेंट हैं एंड देयर आफ्टर इसी के ठीक बाद की तीन लाइन और आप मार्क करेंगे वॉट कैंडल्स में बी हेल्ड टू स्पीड दम आल नॉट इन दैन हैंड्स ऑफ बॉयज बट इन दियर आईज शैल साइन द होली ग्लेमर्स ऑफ गुड बॉयज ठीक है तो ये दो जगह से लाइंस इंपॉर्टेंट हैं अगर आएगा तो इन्हीं दो में से एक आ जाएगा नहीं तो कुछ भी पूछ सकता है वो तो एग्जामिनर के ऊपर है आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट जो पोएम है सेकेंड कमिंग है सेकेंड कमिंग में भी देख लीजिए सेकेंड कमिंग में सबसे पहले शुरू की चार लाइंस टर्निंग एंड टर्निंग ठीक है टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइडनिंग गायर दैन फॉल्कनर थिंग्स फॉल अ पार्ट देंटर कैन नॉट होल्ड मेयर अपॉन दर्ल्ड फर्स्ट फोर लाइन आफ्टर इसमें क्या है द बेस्ट लाइक आल कन्वेक्शन वाइल द वर्स्ट आर फुल ऑफ पैसोनेट इंटेंसिटी ठीक है तो ये दो लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है पहली चार लाइन आप मार करेंगे एंड देयर आफ्टर ये दो लाइन्स लास्ट की द बेस्ट लाइक ऑल कन्विक्शन वाइल द वर्स्ट आर फुल ऑफ पैसनेट इंटेंसिटी आगे देखेंगे इसमें फिर से दो लाइन्सोरली समल्यूशन एट हैंड श्योरली सेकेंड कमिंग इज एट हैंड ठीक है बीच में ये लाइन है स्पेरेटस मंडाई वाली ये अकेली लाइन भी दे सकते हैं या फिर यहां से ये दो लाइन मिला करके दी जा सकती है द सेकेंड कमिंग हार्डली आर दीज वर्ड्स आउट अ वास्ट इमेज ऑफ इमेज आउट ऑफ स्पेरेटस मंडाई ठीक है और फिर आगे नीचे की जो लाइन हैं दो अ अशीप विद लाइन बॉडी एंड द हेड ऑफ अ मैन अगेज ब्लैंक एंड पिलर्स पीटीलेस एज द सन तो ये लाइंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं एंड देर आफ्टर यहाँ पर फिर से आप देखिए चार पांच लाइंस लास्ट में हैं जो एंड की लाइंस हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो लाइन है ये लास्ट की लाइन है स्लॉचेस टू वर्ड द बेथलहम टू बी बॉर्न ठीक है तो ये चार लाइंस जहाँ पर 2000 साल का रेफरेंस है उसको भी आप मार्क करेंगे इंपॉर्टेंट है द ट्वेंटी सेंचुरीज ऑफ स्टोनी स्लीप वर वैक्सट टू नाइट मेयर बाई रॉकिंग क्रेडिल एंड वॉट रफ बीस्ट इट्स आर कम राउंड एट लास्ट स्लॉच टूवर्ड्स बेतलहम टू बी बॉर्न ठीक है तो अन नोन सिटीजन अगला है अन नोन सिटीजन में भी एक एक, एक जगह केवल लास्ट में आप जो लाइन्स हैं लास्ट की दो लाइन्स जो कि मैंने आपको दी थी, थी एग्जाम टेस्ट में ये इंपॉर्टेंट हैं तो उन दो लाइंस को आप याद रखिएगा दैट इज़ वाज ही फ्री वाज ही हैप्पी द क्वेश्चन इज एप्सर्ड हैड एनीथिंग बीन रॉन्ग वी शुड सर्टेनली हैव हर्ड तो ये लास्ट की दो लाइन यही पूरा जिस्ट है पूरे पोएम का और इस दो लाइन को एक्सप्लेन करने के लिए पूरी पोएम आ जाती है तो ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है अननोन सिटीजन में अननोन सिटीजन के बाद द एक्सप्रेस देखिएगा बीच में शायद कहीं वो टी एस एलियट की पोएम छूटी होगी उसको एंड में देखेंगे ठीक है तो इसमें ट्रीज में, में देखिएगा बीच में जो एक लाइन मैंने दी थी तीन लाइंस बियॉन्ड नहीं ये नहीं इसको नहीं दिया था टेस्ट में तो ये तीन लाइंस आप याद रखिएगा यहाँ से पूछा जा सकता है वैसे तो कुछ भी पूछा जा सकता है लेकिन इंपॉर्टेंट लाइन जो है इसको कह सकते हैं बियॉन्ड द टाउन देयर लाइज द ओपन कंट्री वे आर गैदरिंग स्पीड सी दस मिस्ट्री द लेविन सेल्फ पैसन ऑफ सिप्स ऑन ओशन ठीक है तो ये तीन लाइन्स आप मार्क करेंगे एंड देयर आफ्टर ट्रीज है ट्रीज में भी आप ये बीच वाली जो लाइन्स हैं चार दूसरा स्टैंडा ठीक है इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा इट इज दैट दे आर बॉर्न अगेन एंड वी ग्रो ओल्ड नो दे डाई टू दे आर ईयरली ट्रिक्स ऑफ लुकिंग न्यू इज रिटन डाउन इन रिंग्स ऑफ ग्रीन ये चार लाइन्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और लास्ट में ये दो लाइंस भी आप मार्क करिएगा दैट इज लास्ट ईयर्स डेड दिस सीम टू से बींग्रेस अफ्रेस 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 ये लास्ट टू लाइंस बहुत ही पॉजिटिविटी से भरी हैं तो इन लास्ट टू लाइंस को भी आप इम्पोर्टेंट मार्क करेंगे एंड दिस विल आल्सो हेल्प यू ठीक है तो ये हो गया अब इसके बाद क्या बचा है भाई रेलिक है रेलिक को आप छोड़ दीजिए आ, अपने भरोसे पे कुछ आएगा पोएम को पूरे पढ़ लीजिएगा मैं इसमें से कुछ नहीं बता रहा हूँ आप पढ़ लीजिएगा कहीं से अगर कुछ आ जाता है आ जाता है बाकी मैंने छोड़ दिया है और हम बता देते हैं अब आखिर में जिस पोएम को मैंने नहीं पढ़ाया है लव सॉन्ग ऑफ जे फेट प्रफॉक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है बट लंबी थी और डिफ़िकल्ट थी इसलिए मैंने अभी इसको छोड़ा ठीक है तो इसमें भी कुछ लाइंस जो इम्पोर्टेंट है वहाँ से बता देता हूँ इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग देख लीजिए एक तो बिगनिंग लाइन है शुरू की तीन लाइन्स आप देखिएगा या से शुरू की तीन चार लाइन लेटेस्ट गो देन यू एंड आई वेन द इवनिंग इज स्प्रेड आउट अगेंस्ट द स्काई लाइक अ पेशेंट इथ राइज अपॉन अ टेबल तो ये तीन लाइन्स आप देख लीजिएगा सबसे बिगनिंग की एंड देयर आफ्टर आगे बढ़ते हैं एक ये लाइन है जो कि रिपीट हुई है तो इसका रिपीटेशन भी देख लीजिएगा पोएम में पढ़ करके कितनी बार रिपीट हुई शायद दो बार या तीन बार है ठीक है इन द रूम वेमन कम एंड गो टॉकिंग ऑफ माइकल एंजिलो ठीक है दिस इज पॉम्पन शो ऑफ मॉडर्न सोसाइटी इन द रूम द वेमेन कम एंड गो टॉकिंग ऑफ माइकल एंजिलो ठीक है आगे बढ़ते हैं दो हो गया इसमें से तीसरा यहाँ से करिएगा देयर विल बी टाइम देयर विल बी टाइम टू प्रिपेयर फेस ठीक है टू प्रिपेयर अ फेस टू फेस मीट द फेसेस दैट यू मीट देयर विल बी टाइम टू मर्डर एंड क्रिएट ठीक है तो ये जो है इतना सिंपल सा तीन तीन जगह हो गए एंड आगे एक या दो और है जैसे वहाँ पर मैंने मार्क किया था ये फिर से रिपीट हुआ इन द रूम द वेमेन कमेंट गो टाकिंग ऑफ माइकल एंजिलो दो बार या तीन बार है तो इस चीज को आप देख लीजिएगा आगे ये वाला मार्क करिएगा डू आई डेयर ठीक है डू आई डेयर डिस्टर्ब द यूनिवर्स इन अ मिनट देयर इज टाइम फॉर डिसीजंस एंड रिविजन्स विच मिनट विल रिवर्स आगे ये चार पांच लाइंस फिर से इंपॉर्टेंट है फॉर आई हैव नोन दे नोन देम ऑल हैव नोन द इवनिंग मॉर्निंग आफ्टरनून आई हैव मेजर्ड आउट माई लाइफ विद काफी स्पूंस आई नो दॉ डाइंग विद अ डाइंग फॉल बीनीथ द म्यूजिक फ्राम द फादर फ्राम अ फादर रूम ठीक है तो ये पांच लाइन्स और इंपॉर्टेंट है इसके बाद एक जगह से हेमलेट वाला जहां रेफरेंस आता है वो है कहाँ गया भाई चलो आगे है हाँ नो आई एम नॉट प्रिंस हैमलेट ठीक है तो यही सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है नो आई एम नॉट प्रिंस हेमलेट नार वॉज मीन टू बी आई एम एन अटेंडेंट लॉर्ड वन दैट विल डू टू स्वेल अ प्रोग्रेस स्टार्ट अ सीन और टू ठीक है लगभग यही इतनी चीज़ें हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थी एंड आई होप कि आपको इतने में से पुर... जो भी एक्सप्लेनेशन होगा वो मिल जाएगा ठीक है हमें लगता है कि चीज़ें बहुत लंबी हो रही हैं ड्रामा का हम अलग से आपको बता दें क्योंकि ड्रामा में हम लाइंस यहाँ पर आपको दिखा नहीं पाएंगे लाइंस हम बोल करके नोट कराएंगे इसलिए ड्रामा पर हम फिर से शायद चाहे दूसरा वीडियो ले लें क्योंकि अभी नोट कराने लगे मुझे लगता है कुछ आधे घंटे एक घंटे मुझे पढ़ने में लग जाएगा या फिर मैं फटाफट बोल दूँ आप लोग बाद में सुन करके लिख लीजिएगा ठीक है तो सबसे पहले आर्म्स एंड मैन का लिख ही लीजिए देखिए आप को लिख नहीं पाएंगे मैं फटाफट से रीड कर देता हूं लाइंस आप बाद में वीडियो को पॉज कर करके वो लाइंस लिख लीजिएगा ठीक है तो सबसे पहला लिखिएगा मैन में एक तो जो मैंने आपको टेस्ट में दिया था वो है बाकी दो और लिखिए एक है आई एम अ प्रोफेशनल सोल्जर आई फॉट व्हेन आई हैव मुझे मुझे लगता है कि ये लाइंस उन्हें याद भी होंगी जो लोग पूरी क्लास किए हैं ठीक है आई एम प्रोफेशनल सोल्जर आई फाइट व्हेन आई हैव टू टू एंड आई आई एम वेरी गेट आउट ऑफ इट व्हेन हैव नॉट टू यू आर ओनली एन अमेचर यू थिंक फाइटिंग इज एन अम्यूजमेंट ठीक है ये लाइंस हैं सेकंड नहीं थर्ड जी थर्ड एक्ट की हैं जब ब्लंसली वापस आता है एंड सर्जियस uh, उसकी रियलिटी जानने के बाद उसको डुएल के लिए चैलेंज uh, करता है तब तो वहाँ जो है चैलेंज करता है एंड देयर आफ्टर वो विड्रा भी करता है अपना चैलेंज तब वो इस बात को कहता है ठीक है तो ब्लंसली ने यहाँ सर्जियस से कहा है ये स्पीच है थर्ड एक्ट में एंड देयर आफ्टर दूसरा नोट करिएगा एंड देयर वॉज डॉन की फ्लोरसिंग लाइक अ ड्रम मेजर थिंकिंग क्लेवरस थिंग एवर नोन वेयर एज द आउट टू बी कोर्ट मार्शल फॉरिट ये भी ब्लंसली की ही स्पीच है लेकिन फर्स्ट एक्ट में है वेन ही अपियर्स एज अ फ्यूजिटिव सोल्जर इन रैनाज रूम और रैना जब उस कवेलरी चार्ज के विषय में पूछती है तब वहां पर वो डॉन की आटे का रेफरेंस लेकर के ये बात बताता है पढ़ाते समय मैंने ये लाइन भी आपको मार्क कराई होगी तो आप इसे भी मार्क कर सकते हैं ठीक है तो दो हो गए तीसरा आप नोट करिएगा ओ यस क्वाइट और रोमांस ही वॉज अ सर्विंग ही वॉज सर्विंग इन अ वेरी बैटरी आई सो अनप्रोफेशनली चार्ज बींग थ्रू सोल्जर ही रैन अवे लाइक रेस्ट ऑफ देम विद आवर कैवलरी एट हिज ही ये भी ब्लंसली की स्पीच है इन फर्स्ट एक्ट एज अ फ्यूजिटिव सोल्जर ठीक है फ्यूजिटिव सोल्जर के रूप में ब्लंसली की स्पीच है ओ यस क्वाइट रोमैंस ही वॉज सर्वाइविंग इन द वेरी बैटरी आई सो अनप्रोफेशनली चार्ज

तो ये भी आप देख लीजिए आई ऑलवेज फील अ लॉन्गिंग टू डोर से समथिंग ड्रीडफुल टू हिम टू शॉक हिज प्रोफेस प्रॉपर्टी सो ए द फायर सेंसेस आउट ऑफ हिम आई डोंट केयर वेदर ही फाइंड्स आउट अबाउट द चॉकलेट क्रीम सोल्जर आर नॉट ठीक है तो ये जो है लाइन आर्म्स एंड मैन के सेकेंड एक्ट की है आगे देखेंगे तो और हां एक और, दो और लिखिएगा सोल्जरिंग माई डियर मैडम इज द कावर्ड्स आर्ट ऑफ अटैकिंग मर्सीलेसली वेन यू आर स्ट्रांग एंड कीपिंग आउट हम वेन वे वेन यू आर वीक ये आम्स एंड मैन से है ब्लि की स्पीच है रैना से कहा गया है ठीक है यहां पर जो माई डियर मैडम है वो रैना है यही हमने आपको एग्जाम में दिया था टेस्ट में ठीक है तो फिर से मैं बोल दे रहा हूं सोल्जरिंग माई डियर मैडम इज द कावर्स और पढ़ाते वक्त भी मैंने इस पर किया था कि इंपॉर्टेंट है कावर्ड्स आर्ट फॉर अटैकिंग मर्सीलेसली वेन यू आर स्ट्रांग एंड कीपिंग आउट ऑफ हार्मे वेन यू आर वीक अगला है एक और लिखिएगा यहीं से है आर्म्स एंड मैन से यू आर बोर्न टू बी अ सर्वेंट आई वॉज नॉट लूका की स्पीच है ठीक है यू आर बोर्न टू बी अ सर्वेंट आई वॉज नॉट वेन यू सेटअप योर शॉप यू विल ऑनली बी एवरी बडीज सर्वेंट इन स्टेड ऑफ समबडीज सर्वेंट ठीक है ये रे, निक, उसकी लुका की स्पीच है निकोला से कहती है ठीक है तो ये भी इंपॉर्टेंट है लूका की स्पीच निकोला से एक जगह और इंपॉर्टेंट है वो भी लिख लीजिएगा ये भी शायद मैंने आपको दिया था टेस्ट में विच ऑफ द सिक्स इज द रियल मैन सर्जियस की स्पीच है विच ऑफ द सिक्स इज द रियल मैन ये तो टेस्ट में आपको दिया था वहां से देख लेंगे दैट इज द क्वेश्चन दैट मी वन ऑफ देम इज अ इज अ बफून एन अ पर बिट ऑफ अ ब्लैक गार्ड एंड वन एटलीस्ट इज अ कावर्ड जेलस लाइक ऑल कावर्ड्स ठीक है तो ये जो है सर्जियस की स्पीच है लूका से कहता है जब उसके साथ फ्लर्ड कर रहा होता है एक्ट टू में ठीक ना और दो लिखिएगा लिखिए अशॉकिंग सेक्रीफाइस इजंट सच ब्यूटी सच इंटेलेक्ट सच मॉडेस्टी वेस्टेड ऑन अ मिडिल एज सर्वेंट मैन रियली सर्जियस यू कैन नॉट स्टैंड बाई ऑल बाई एंड अलाउ सच थिंग इट वुड बी अनवर्दी ऑफ योर सेवलरी ठीक है तो यहाँ पर ये यह जो लाइन है सॉकिंग सेक्रीफाइस इज एंड सच ब्यूटी तो ये सर्जियस की स्पीच है लूका से कही है जब फ्लर्ट कर रहा था ठीक है रेफरेंस यहाँ पर निकोला का है एज सर्वेंट ठीक है और इसी में आगे है अ नैरो शेप बट मिस इज अ गुड एज अ माइल डियर यंग लेडी योर सर्वेंट टू डेथ आई विश फॉर योर आई हैड ज्वाइन द बुलगेरियन आर्मी इंस्ट्यूट ऑफ द अदर वन ये ब्लस्ली की स्पीच है एज ए फ्यूजिव सोल्जर इन एक्ट वन रैना से कहता है उसके कमरे में ठीक है लगभग ये है और थोड़ा सा देख लूँ हाँ एक आध जगह और आध कुछ लाइन्स और मुझे मिल सकती शायद मैंने मार्क कर रखी थी ठीक है लगभग लगभग हो गई हैं कुछ तीन चार पाँच हैं जो लुक बैक इन एंगल से हैं उसको भी मैं आपको लिखा दूं लगभग हो गया यही इतना था ठीक है आम्स एंड मैन से इतना था सर नो सर कैथरीन अच्छा कैथरीन है चलिए कैथरीन है भाई मुझे इतना नहीं याद है अब ये जरा सा एक बार बता दीजिए क्या लोग बैक इन एंगर में जो दो चार पाँच है उसको भी अभी लिखवा दें या बाद में लिखवा दें इट्स सेवन ओ क्लाक जस्ट वेटिंग फॉर योर काजल यादव थैंक यू सो मच नोटेड मैंने पूछा क्या लुक बैक इन एंगर के भी कुछ जो लाइंस इम्पोर्टेंट हैं उनको अभी ही मैं रीड कर दूं आप कर सकेंगे वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स इन द कमेंट अच्छा यस सर करवा दें चलिए उसको भी लिख लीजिए उसको भी हम इसी तरीके से बोल देंगे केवल ठीक है और इसे भी आपको बाद में वीडियो पॉज कर करके लिख लेना है अभी लिख सकते हैं देन अभी लिख लेंगे ठीक है बहुत ज़्यादा नहीं है चार पाँच छः पहला लिखिएगा यू आर हर्ट बिकॉज में मैं आ, एक्ट वगैरह नहीं बता पाऊँ किस एक्ट का है ठीक है यू आर हर्ट बिकॉज एवरी थिंग इस चेंज इसमें ज़्यादातर जिमी की स्पीच है ठीक है तो इसको लिखिएगा यू आर हर्ट बिकॉज एवरीथिंग इज चेंज जिमी इज हर्ट बिकॉज एवरीथिंग इज द सेम एंड नेदर ऑफ यू कैन फेस इट समथिंग्स गॉन रॉन्ग समवेयर हैजेंट इट ठीक है हो गया पहला मैंने फिर से पढ़ दू यू आर हर्ट बिकॉज एवरीथिंग इज चेंज्ड Jimmy is hurt because everything is the same and neither of you can face it. Something's gone wrong somewhere, hasn't it? आप लाइन लिख लेंगे देयर आफ्टर बुक में सर्च कर लेंगे और उसके बाद पढ़ लेंगे आगे बढ़िए दूसरा है देअर्स हार्डली hardly... अच्छा एक सर्च करने का एक और आसान तरीका है लाइन आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं ठीक है देयर्स हार्डली अ मोमेंट वेन आई एम नॉट वॉचिंग एंड वेटिंग यू आई हैव गॉट टू हिट आउट समहाउ फिर से दे हार्डली अ मोमेंट वेन आई एम नॉट वॉचिंग एंड वेटिंग यू आई हैव गॉट टू हिट आउट समहाउ तो स्पीचेस हो गई एक तीसरा लिखिए ओ हेवेंस हाउ आई लॉन्ग फॉर अ लिटिल तीसरा है ये ओ हेवेंस हाउ आई लॉन्ग फॉर अ लिटिल ऑर्डिनरी ह्यूमन इंथूजियाज्म जस्ट इंथूजियाज्म दैट्स ऑल आई वॉन्ट टू हियर अवार्मिंग वॉइस क्राई आउट हल्यूजन आई ठीक है ये आ, है इसके बाद एक और लिखिएगा थर्ड नंबर फोर है ये फोर्थ है देयर इज हार्डली अ मोमेंट व्हेन आई एम नॉट वाचिंग एंड वेटिंग ठीक है यही है पीछे दो लाइन अकेले आई थी यहाँ पर थोड़ा सा लंबा स्पीच है ठीक है थीके? ये स्पीच और कंटिन्यू है तो पूरी पढ़ दे रहा हूँ पीछे केवल दो लाइन आई है इसमें आगे पूरी है पूरी पढ़ रहा हूं देर इज हार्डली अ मोमेंट वेन आई एम नॉट वॉचिंग एंड वेटिंग यू आई हैव गॉट टू हिट आउट समहाउ नियरली फोर इयर्स ऑफ बींग इन द सेम रूम विद यू नाइट एंड डे एंड आई स्टिल कांट स्टॉप माई स्वीट ब्रेकिंग आउट वेन आई सी यू डूइंग समथिंग एज ऑर्डनरी एज लर्निंग ओवर एंड मॉर्निंग बोर्ड ठीक है ये है इसके बाद और देखते हैं भाई सॉरी एक और लिखिएगा पीपल लाइक मी डोंट गेट फैट आई हैव ट्राइड टू टेल यू बिफोर जस्ट बर्न एवरीथिंग अप फिर से पढ़ दे रहा हूं पीपल लाइक मी डोट गेट फैट आई हैव ट्राइड टू टेल यू बिफोर वी जस्ट बर्न एवरीथिंग अप है जिमी की स्पीच है शायद ठीक है I am alive. I have an idea. Why don't we have a little game? Let's pretend we are human beings. And that we are actually alive just for a while. What do you say? Let's pretend we are human. Okay? ये भी लुक बैक इन एंगर की लाइन है इंपॉर्टेंट है और भी देख लेते हैं अगर एक आते है हाँ एक और है दो और है दो और है दो और लिख लीजिए ठीक है तीन है भैया तो तीन चार जितनी भी है लिख लीजिए ठीक है नेक्स्ट लिखिएगा यू आर वेंट टू स्केप फ्रॉम द पेन ऑफ बींग अलाइव And most of all, from love. It is no good to fool yourself about love. You can't fall into it like a sofi job without dirting up your hands. Next dekhte hain एक ही एक बार पढ़ रहा हूँ। आप repeat करके सुनकर के दोबारा से लिख सकते हैं। ठीक है? Next देखिएगा। ओह हैवेंस हाउ लॉन्ग फॉर लिटिल ऑर्डिनरी ह्यूमन एंथोजिया दैट्स ऑल आई वॉन्ट टू हीयर वार्म थ्रिलिंग वॉइस क्राई आउट ये पीछे भी आया है ठीक है रिपीट हो रहा है ठीक और लगभग नो बड़ी थिंक मैंने शायद नहीं लिखा है तो ये हाँ एक और लिख लीजिए बस बात खत्म है ठीक है नो बडी थिंक नो बड़ी केयर्स नो बिलीव नो संडे इवनिंग शायद यही मैंने दिया था आपको टेस्ट में तो इतना ही है जो मुझे समझ में आया जो मुझे मिला है कम से कम इतना तो आप प्रिपेयर कर लें आर्म्स एंड मैन लुक बैक इन एंगर एंड पोएम में ज्यादा फोकस आपका क्वेस् पर होना चाहिए बिकॉज की क्वेश्चन अस्सी नंबर के आएंगे एक्सप्लेनेशन्स बीस नंबर के आएंगे ठीक है मुझे इतना ही बताना था सो मैंने बता दिया अगर समय मिलेगा तो एक पेपर सेकेंड पेपर का भी एक मॉक पेपर मॉडल पेपर आपको बना करके दे दूंगा नहीं समय मिलेगा मुझे देन सॉरी फॉर दैट अभी और कुछ कहना पूछना हो तो एक मिनट का समय आपके पास दो मिनट का समय है पूछ लीजिए लगभग घंटे भर होने को है ठीक ना तो पूछ लीजिए उसका भी हम जवाब दे देते हैं एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे जस्ट आई एम वेटिंग अगर आपके पास कोई सर जी आप कैसे हैं आँखों को देखकर लग रहा है काफ़ी थके हुए हैं सेकेंड पेपर का कुछ एग्जैक्ट बता दीजिए उमल मधेसिया सर सेकेंड पेपर में कुछ बता दीजिए देखिए मैंने सेकेंड पेपर के लिए कहा अगर मुझे समय मिलेगा देन आई श्योर कि आपको एक मॉडल पेपर ज़रूर बना करके दे दूँगा ठीक है और नहीं समय मिला देन सॉरी फॉर दैट अनूप गुप्ता टी सीलियोफ्रॉक सर इस पे क्लास होगी पॉसिबल नहीं है क्योंकि समय नहीं है और बहुत लेने की इच्छा भी नहीं है ठीक ना देखिए सेकंड पेपर का एक ही उत्तर है मेरे पास कि अगर समय मिलेगा तो एक पेपर बना करके मैं आपको जरूर सेंड कर दूंगा उसको सॉल्व कर लीजिएगा ठीक है और किसी अन्य क्लास जैसे टी एस पे क्लास होगी कि नहीं जेलफेड पर पढ़ा पाऊँगा कि नहीं इन सब पर मेरे पास कोई वादा नहीं है क्योंकि ना तो टाइम है ना ही पढ़ाने की इच्छा है और दैट्स ऑल थैंक यू सेकंड पेपर बता दीजिएगा देखते हैं ठीक ना वैसे भी अभी बारह तारीख तक मैं यहाँ हूं उसके बाद फिर से वापस होली की छुट्टी पर घर चला जाऊंगा देन कट आउट ऑफ ऑल ऑनलाइन एक्टिविटीज बिकॉज कि हमारे यहां नेटवर्क चलता नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोग एंजॉय करिए पढ़िए अठारह के बाद बीस बीस तक मैं भी आऊंगा तब तक आपके एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रहे हैं इसलिए सो वी डिपेंड ऑन योर सेल्फ Try to work hard, try to study. चलते हैं आज के लिए इतना ही ऑन पोएट्स देखेंगे ठीक है किसी बात का कोई वादा नहीं है अगर हमको समय मिला हमको मन किया देन आई डू डू दैट फॉर यू बिकॉज कि मुझे दिखाई ये पड़ा ना कि यू यू पीपल डोंट डिजर्व टू मच रिस्पॉन्सिबल टीचिंग ठीक ना बिकॉज यू आल आर नॉट रेस्पॉन्सिबल ठीक क्योंकि दो सौ में बारह आंसर्स या बारह कॉपीज मुझे मिलना इज बैड थिंग तो मुझे जितना करना था मैंने कर दिया आज के लिए इतना मिलते हैं कल कल परसों क्या जब भी किसी किसी दिन लाइव में या नहीं भी ठीक है थैंक यू थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग ऑल द बेस्ट